एवरीवन, वेलकम बैक। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल टॉक अबाउट चैप्टर नंबर 6, यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो एक टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्या है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दैट डीएनए रेप्लिकेट्स सेमी कंजर्वेटिवली। सो बेसिकली सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के लिए ये जो हाइपोथेसिस थी कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करता है, ये वॉटसन एंड क्रिक ने दी थी। लेकिन इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो दो साइंटिस्ट ने दिया है जिनका नाम है मिसेलसन एंड स्टेन। इन दोनों ने 1958 में वॉटसन एंड क्रिक की दी हुई हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था, और इन्होंने ये बताया था पूरे प्रॉपर एक्सपेरिमेंट के साथ कि जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो वो सेमी कंजर्वेटिवली होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मिसेलसन एंड स्टेन ने अपने एक्सपेरिमेंट में किस किस चीज का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ पर ई कोलाई मीन्स एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया की बात हो रही है। साथ ही साथ एक नाइट्रोजन का कंपाउंड था NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, बेसिकली इन दोनों साइंटिस्ट ने नाइट्रोजन के दो आइसोटोप्स लिए थे, हैवी आइसोटोप विच इज N15 एंड लाइट आइसोटोप विच इज N14, नाइट्रोजन 15 एंड नाइट्रोजन 14। तो इन दोनों ही नाइट्रोजन के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम बोल रहे हैं कि एक हैवी है और एक लाइट है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं, किस बेसिस पर बोल रहे हैं, इनके डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर ये बात हमने बोली है, डेंसिटी ग्रेडियंट। तो इन दोनों ही नाइट्रोजन को अगर एक दूसरे से सेपरेट करना हो तो किस आधार पर करेंगे, डेंसिटी ग्रेडियंट, वो भी सीजियम क्लोराइड। CsCl का मतलब है सीजियम क्लोराइड बेस्ड डेंसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो हाई डेंसिटी होती है N15 की, लो डेंसिटी होती है N14 की। हमने इसी बेसिस पर इन दोनों को डिफरेंशिएट किया, क्लियर है। तो क्या एक्सपेरिमेंट दिया था मिसेलसन एंड स्टेन ने, फटाफट से देखते हैं। तो एक और चीज हमें इसके बारे में जाननी है, वो ये है कि ई कोलाई बैक्टीरिया जब आप फेवरेबल कंडीशंस में या ऑप्टिमम कंडीशंस में बैक्टीरिया की ग्रोथ को ऑब्जर्व करोगे, सो यू विल सी दैट ई कोलाई बैक्टीरिया रेप्लिकेट्स इन 20 मिनट्स, यानी कि 18 मिनट्स में इनका जो डीएनए है वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई यानी कि रेप्लिकेशन कर लेगा, और 2 मिनट्स लगते हैं इनको डिवाइड करने में। तो डीएनए की रेप्लिकेशन 18 मिनट में हो जाती है और सेल को डिवाइड करने में यानी कि माइटोसिस करने में 2 मिनट्स लगते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ई कोलाई बैक्टीरिया पूरा जो सेल साइकिल है उसको 20 मिनट में कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, बहुत जगह पर स्टूडेंट्स देखते हैं कि 18 मिनट्स लिखा होगा ई कोलाई बैक्टीरिया के लिए, तो मैं फिर से मेंशन कर देती हूँ, ये जो 18 मिनट्स का टाइम आपको गिवन है वो ई कोलाई बैक्टीरिया में डीएनए की रेप्लिकेशन के लिए होता है, और जो 2 मिनट्स है उसमें वो माइटोसिस करता है। तो इवेंचुअली देखा जाए 20 मिनट्स के अंदर ई कोलाई बैक्टीरिया कंप्लीटली डिवाइड कर जाता है। ठीक है, डीएनए की रेप्लिकेशन भी और माइटोसिस भी। आगे बढ़ेंगे, तो मिसेलसन एंड स्टेन ने क्या किया था, सबसे पहले इन्होंने एक मीडियम में ग्रो करवाया ई कोलाई बैक्टीरिया को, एंड दिस मीडियम हैज 14N। उस मीडियम के अंदर कौन सा नाइट्रोजन प्रेजेंट था, 14N, और वो भी NH4Cl की फॉर्म में। हमेशा मीडियम में जो नाइट्रोजन प्रोवाइड किया जाएगा वो अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में दिया जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या किया, जब बहुत ही लंबे समय से ई कोलाई बैक्टीरिया को एक्सटर्नल सोर्स से जो नरिशमेंट मिल रहा था उसमें 14 नाइट्रोजन था, तो जब भी ई कोलाई बैक्टीरिया रेप्लिकेशन करेगा तो उसके डीएनए में भी 14 नाइट्रोजन की ही एंट्री होगी, 14 नाइट्रोजन की ही एंट्री होगी। सो ओवर अ लॉन्गर टाइम, काफी लंबी जनरेशन के बाद भी जब ई कोलाई बैक्टीरिया को ऑब्जर्व किया गया तो उसके डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन था, 14N। लेकिन अब हमने क्या किया है, हमने चेंज कर दिया मीडियम,
एंड दिस टाइम वी हैव प्रोवाइडेड हिम 15N। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड की फॉर्म में नाइट्रोजन दिया गया था, लेकिन डिफरेंस क्या था कि यहाँ पर नॉर्मल नाइट्रोजन था और यहाँ पर हैवी नाइट्रोजन है। दिस इज द हैवी आइसोटोप ऑफ नाइट्रोजन। तो क्या होगा, देखिए नॉर्मली हमारे पास ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, राइट, कितना होगा इसके अंदर 14 नाइट्रोजन 14 नाइट्रोजन। जब भी ये डीएनए रेप्लिकेशन करेगा तो ये दोनों स्ट्रैंड इस तरीके से खुलेंगे, दोनों स्ट्रैंड खुल चुके हैं, है ना। अब क्या होगा, इन दोनों स्ट्रैंड को मैं यहाँ ऊपर बना देती हूँ, एक 14 है दूसरा भी 14, ठीक है। जब हमने मीडियम चेंज कर दिया तो इस बार ई कोलाई बैक्टीरिया को 15 वाले नाइट्रोजन मिलेंगे, तो यहाँ पर जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो 15 नाइट्रोजन का होगा। सिमिलरली यहाँ पर भी जो दूसरा स्ट्रैंड बन रहा है वो 15 नाइट्रोजन का है। तो ऐसा क्यों हुआ, हमेशा ध्यान रखिए जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है तो एक स्ट्रैंड पेरेंटल रहता है एंड अनदर स्ट्रैंड इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। एक स्ट्रैंड पेरेंट का है, जो दूसरा स्ट्रैंड होगा वो न्यूली सिंथेसाइज होगा, और वो न्यूली सिंथेसाइज कैसे बना, इनके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस से। मान लीजिए ए टी टी ए जी सी ए टी, कोई भी सीक्वेंस यहाँ पर लिखे होते तो ये जो 15 वाला जो डीएनए आपके पास आएगा इट विल बी कॉम्प्लीमेंट्री टू द पेरेंटल स्ट्रैंड। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हो 14 15 14 15 हाइब्रिड बन रही है। क्या बन रही है, हाइब्रिड, ठीक है। और जब भी ऑब्जर्व किया जाएगा डेंसिटी ग्रेडियंट के आधार पर, तो पता है किस तरीके से यहां पर आप ऑब्जर्व करोगे, लाइक दिस, क्योंकि ये 14 एन है तो आप बिल्कुल बेस पर इसको ऑब्जर्व करोगे, लाइट होता है, दिस इज द लाइटर वन, तो ये कहां पर प्रेजेंट है, बेस पर, ठीक है। अब यहां पर ये कौन सा है, हैवी और लाइट दोनों प्रेजेंट होते हैं, हैवी और लाइट दोनों प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहां पर देखोगे दिस इज द हाइब्रिड, क्योंकि 14 15 दोनों बन चुके हैं। सो किस तरीके से शो होती है ये हाइब्रिड, सेंटर, दिस इज द हाइब्रिड, ये आपको हाइब्रिड शो हो, ठीक है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, सीजियम क्लोराइड बेस्ड डेंसिटी ग्रेडियंट की, क्लियर है। चलिए तो ये कितने समय में ई कोलाई के अंदर पूरी सेल डिवीजन हुई, 20 मिनट्स में। अब अगली जनरेशन की तरफ बढ़ेंगे, अब फिर से 20 मिनट्स, यानी कि टोटल 40 मिनट्स हो गए, ठीक है। अब क्या हुआ, देखिए ध्यान से, यहां पर 14 15 प्रेजेंट है, अब ये 14 15 एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे, दिस इज 14 दिस इज 15, क्लियर है। सेम विद द अनदर वन, दिस इज 14 दिस इज 15, ठीक है। अभी भी हमने जो मीडियम इनको प्रोवाइड किया हुआ है वो 15 नाइट्रोजन वाला ही है, कौन सा मीडियम है, 15 नाइट्रोजन। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर बनेगा इट विल बी 15, और यहां पर भी जो कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा वो 15 होगा। सिमिलरली यहां पर भी 15 आएगा और इसका कॉम्प्लीमेंट्री भी 15। तो आप देख सकते हो कि हमें दो हाइब्रिड्स मिली हैं, हमें दो हाइब्रिड मिली हैं, जो कि इससे पहले वाली जनरेशन में भी थी, लेकिन इन दोनों को जब ऑब्जर्व करोगे तो ये दोनों क्या है, न्यूली सिंथेसाइज्ड, न्यूली सिंथेसाइज्ड। तो अगर हम इनको ऑब्जर्व करेंगे डेंसिटी ग्रेडियंट की बेसिस पर, तो एक तो यहां पर 15 हैवी आइसोटोप दिखेगा, ठीक है, दिस इज दी हैवी आइसोटोप, और आपको हाइब्रिड भी नजर आएगी, दिस इज दी हाइब्रिड। तो इस तरीके से ऑब्जर्व किया जाता है कि जब भी डीएनए की रेप्लिकेशन होती है 50% इंफॉर्मेशन पेरेंट की होती है एंड 50% इंफॉर्मेशन इज न्यूली सिंथेसाइज्ड। इसीलिए यहां पर डीएनए की रेप्लिकेशन को सेमी कंजर्वेटिव कहा गया है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, ठीक है। तो दो चीजें हमें याद रखनी है, सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के बारे में इन्फॉर्म किसने किया था, वॉटसन एंड क्रीक ने, है ना, जब उन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए स्टडी किया था 1953 में, तो उन्होंने ये भी बताया कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। लेकिन उसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है वो दिया था मिसेलसन एंड स्टेहल ने,
मिसेलसन एंड स्टेनली, वो भी 1958 में। किस किस चीज का उन्होंने यूज किया? ई कोलाई बैक्टीरिया का एक मीडियम जिसमें अमोनियम क्लोराइड था। हमने जो नाइट्रोजन का यूज किया वो दो, यानी कि 14 वाला और 15 वाला था। 14 इज द लाइटर वन, उसकी डेंसिटी कम होती है। 15 इज द हैवी आइसोटोप, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। किस बेसिस पर हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट के बेसिस पर। ठीक है, सबसे पहले हमने काफी जनरेशंस तक ई कोलाई बैक्टीरिया को 14 नाइट्रोजन वाले मीडियम में रखा। फिर जब हमने 14 वाले ई कोलाई बैक्टीरिया के डीएनए को रेप्लिकेट करवाया तो हमने देखा क्या हुआ, उसमें 14 वाला नाइट्रोजन था, लेकिन जैसे ही आपने मीडियम चेंज कर दिया, जैसे ही आपने उस ई कोलाई बैक्टीरिया को 15 अमोनियम क्लोराइड वाले मीडियम में डाला तो आपने हाइब्रिड को ऑब्जर्व किया। 14 15 14 15, क्लियर है? जब ये हाइब्रिड नेक्स्ट जनरेशन बनाएगी, यानी कि फिर से 20 मिनट के बाद रेप्लिकेट करेगी, तो आप देखोगे हाइब्रिड भी मिली है और न्यूली सिंथेसाइज भी। इसका मतलब ये हुआ, अगेन इट प्रूव्स दैट डीएनए रेप्लिकेट सेमी कंजर्वेटिव, क्लियर है? इसी के साथ साथ आपको याद रखना है, देयर वाज अनदर साइंटिस्ट जिनका नाम था टेलर। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, सेम उन्होंने डीएनए की और क्रोमोसोम की जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन है उसको प्रूफ करने की कोशिश की। ठीक है, लेट मी राइट इट हियर। तो टेलर ने डीएनए एंड क्रोमोसोम की सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूफ करने की कोशिश की थी। उन्होंने क्या चीज ली थी भाई? अभी मिसेलसन एंड स्टेनली के बारे में पढ़ा, उन्होंने नाइट्रोजन लिया था, लेकिन जो टेलर है उन्होंने जब अपने कलीग्स के साथ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, पहली बार वो विसिया फाबा यानी कि फाबा बीन्स के साथ एक्सपेरिमेंट था, फाबा बीन्स। दूसरी चीज, ही टुक थायमिडीन, उन्होंने रेडियो एक्टिव थायमिडीन का इस्तेमाल किया था ये चेक करने के लिए कि क्या डीएनए सच में सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट करेगा या नहीं। क्लियर है? सो हियर वी कंप्लीट द टॉपिक सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। बेसिकली इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हमने यहाँ पर पढ़ा है। आई होप आपको ये समझ में आया हो। इन केस कोई अगर डाउट आपको होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।